नंदिता मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में स्वागत है। आप गोवा आओगे तो स्कूटी या बाइक लेकर ही आप ट्रेवल करना, तभी आप गोवा का फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि गोवा में नो ओला नो उबेर है और लोकल टैक्सी वाले बहुत ही ज्यादा पैसा लेते हैं। आपको स्कूटी या बाइक रेंट में लेने से ये फायदा है कि आप गोवा रात में भी घूम सकते हैं, क्योंकि रात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि गोवा में फ्यूल दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। तो चलिए मेन टॉपिक में आते हैं कि गोवा में स्कूटी या बाइक कहाँ से लेना है और लेने से पहले क्या क्या चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप ट्रेन से आओगे तो मडगांव रेलवे स्टेशन आओगे, और फ्लाइट से आओगे तो डबोली एयरपोर्ट जो कि वास्को डी गामा में है, यहाँ पर आओगे। अगर आप मडगांव आ रहे हो तो आप पहले पंजिम जाओ और फिर पंजिम से मपुसा। आपको मडगांव से मपुसा तक का सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना है। अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो आप पंजिम और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर मपुसा जाओ। मैं मपुसा जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको बीच या फिर कुछ भी विजिट करना है, सारे प्लेस मपुसा के पास हैं, मींस नॉर्थ गोवा के सारे विजिटिंग प्लेस मपुसा के पास हैं। आपको स्कूटी या बाइक बीच पर नहीं लेना है। आपको स्कूटी या बाइक मडगांव या एयरपोर्ट से नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग टूरिस्ट समझकर 400 से 500 रुपए पर डे का चार्ज मांगेंगे, और आप लोगों को लगेगा कि ये सस्ता है और आप ले लेंगे। आप लोग स्कूटी या बाइक पंजिम से भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये राजधानी है गोवा की। यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा और रेंट देने वाले कम हैं, इसलिए वो लोग आपसे अधिक चार्ज करेंगे। आप लोगों को मपुसा के बारे में पता नहीं होता है, या फिर ट्रेवल एंड टूर्स वाले आपको बताते नहीं हैं। मपुसा में आपको स्कूटी और बाइक 300 और न्यू स्कूटी 350 रुपये में मिल जाएगी। इससे सस्ती आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मपुसा बस स्टॉप में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जो रेंट में स्कूटी या बाइक देती हैं। आपको स्कूटी या बाइक बीच पर बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज वो 450 से 500 रुपीज़ पर डे का ले लेंगे। स्कूटी लेने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उसका नंबर प्लेट वाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका नंबर प्लेट येलो होना चाहिए। वाइट नंबर प्लेट वाले व्हीकल रेंट में देने के लिए अलाउ नहीं है। अगर आप वाइट नंबर प्लेट वाली स्कूटी या बाइक लेकर पुलिस को मिल गए तो ज़रूर आपके ऊपर फाइन कर देंगे, इसलिए आप हमेशा येलो नंबर प्लेट वाली ही स्कूटी या बाइक रेंट पर लें। दूसरी बात, आपको रेंट में लेने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक आईडी जैसे कि पैन कार्ड देना पड़ेगा, जिसे वह अपने पास रख लेगा, और साथ में 500 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करवाएगा। और जितने दिन के लिए आप स्कूटी लेंगे उसका सारा पैसा एडवांस में डिपॉजिट करके आपको रिसिप्ट दे देगा। ये लोग फ्रॉड एंड फूल कैसे बनाते हैं? पहले तो इनके किसी भी गाड़ियों का फ्यूल वाला मीटर काम नहीं करता, जिससे आप लोगों को फ्यूल लेवल पता नहीं चलता, और आप लोग सोचते हैं कि कहीं फ्यूल कम ना हो इसलिए डलवाते रहते हैं, और लास्ट में जब डिपॉजिट करते हैं तो कम से कम 2 से 3 लीटर फ्यूल टैंक में बच जाता है, जिसे ये लोग खुद यूज कर लेते हैं। इसलिए आप लोग फ्यूल टैंक को खोलकर फ्यूल चेक कर लेना। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्कूटी लेने से पहले उसे पूरी तरह चेक कर लो, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, और उसका वीडियो भी बना लो। अगर फूटा टूटा है तो तुरंत उसे बता दो, अदरवाइज बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि जब डिपॉजिट करोगे तो लोग बोलेंगे कि आपने फुट स्टेप तोड़ दिया है, इसे बनवाओ या पैसा दो। आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, और वो 500 सिक्योरिटी मनी के साथ साथ आपसे और भी पैसा वसूल कर लेंगे। इसलिए स्कूटी या बाइक लेने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, जिससे आपको कोई फूल ना बना पाए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।